हाय फ्रेंड्स, ये एक वर्लपूल की टॉप लोड वॉशिंग मशीन की पीसीबी है। ये कस्टमर का कहना है कि ऑन नहीं कर रही, मतलब डेड है। देखेंगे, अभी इसको कनेक्शन देते दिया है ऑन करके। ये वाला इसका पावर बटन है, ये देखिए ऑन नहीं कर रही, मतलब ये डेड है। तो हम इस कनेक्टर को बाहर निकालेंगे, इस कनेक्टर को बाहर निकाल के इसके वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज बन गए ये देखिए, इधर एक 5 वोल्ट बन रहे हैं, इधर 12 वोल्ट बन रहे हैं, मतलब इस मेन पीसीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो इस डिस्प्ले पीसीबी में है। तो इस डिस्प्ले पीसीबी में इस कनेक्टर पे 5 वोल्ट बनना है, कैपेसिटर पे चेक करेंगे इस पे 5 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। 5 वोल्ट नहीं, फ्लैक्चुएट कर रहे हैं वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो शॉर्ट है। ये देखिए सही सी पे, दोनों पे भी ग्राउंड शॉर्ट कर रही है, इस आईसी में प्रॉब्लम है। तो इस आईसी को बाहर निकालेंगे और शॉर्टेज चेक करेंगे। इस ब्लोअर की मदद से मैंने इस आईसी को बाहर निकाल रहा हूँ। ये मैंने बाहर निकाल लिया, ये इसकी आईसी है। तो अभी इसकी शॉर्टेज चेक करेंगे। ये ग्राउंड, ग्राउंड पे ग्राउंड है, 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट है, ग्राउंड पे अभी शॉर्ट नहीं कर रही है, मतलब इस आईसी को बदलना पड़ेगा। ये मेरे पास आईसी है, इसको बदल के देखेंगे, इसको लोअर से ठीक से बिठा लेंगे। ये मैंने इसको बिठा लिया है, ये देख सकते हैं आप, इसका डिस्प्ले पीसीबी है। तो अभी इसको कनेक्ट करके अभी चालू करके देखेंगे। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये चालू हो गया, मतलब वो सही सी का प्रॉब्लम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक वीडियो।